गुड इवनिंग गाइस, आगरा देखने के बाद आप पहुंच गए हैं मथुरा। रात को दिखाऊंगा, अपना होटल इधर पास में ही है। ये अपनी मथुरा की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मैं आया था काफ़ी साल पहले, मैं भी 2011-12 के अंतर में, तब उस टाइम पे छोटा था, इतनी मेमोरीज याद। ये मथुरा की मार्केट है। इधर सामान सौदा तो घना है हमारा, श्वेता कलेश करे करा, लेके नहीं आए कुछ, लेके नहीं आए कुछ। रात को देखता हूँ, श्वेता वीडियो कॉल करूँगा तेरे पास, तब करवाऊँगा तेरे को शॉपिंग, काफ़ी टाइम हो गया तेरे को भी। अभी आरती का टाइम है, अगर अच्छे से एंट्री मिल जाती है तो बढ़िया है, जाके फिर एंजॉय करेंगे वहाँ अंदर, बाबा जी के दर्शन करेंगे। हे जय गौ माता, यहाँ पे गौओं की बड़ी रिस्पेक्ट है, रियल में गौ माताओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप घूम रहे हैं मथुरा की गलियों में, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और जहाँ पे उनके माता पिता कठोर कारावास में थे। ये श्रीनाथ जी का मंदिर, जो अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। मेन गेट उधर है, मैं दिखाऊंगा आपको जल्दी ही। ये ब्रो मंदिर का भोजनालय है, जहाँ पे जैसे बाबा जी के लिए 56 भोग बनते हैं, उन्हीं में से कुछ भोग यहाँ मिलते हैं। 100 रुपये पर बंदा की थाली है, आप खा सकते हो। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह, ये रेस्ट करने का है। ये मार्केट, ये उधर पीछे से स्टार्ट होती है, सुंदर मार्केट है, छोटी मार्केट है पर सुंदर है। मतलब मेन मार्केट छोटी है और मोस्टली जैसे किसी को शॉपिंग करनी है वो अंदर भी कर सकता है, अंदर भी दुकानें हैं जो टाइम से पहले बंद भी हो जाती है और जो मंदिर खुलता है उसके साथ खुल भी जाती है। भज मन राधे, सिक्योरिटी का पूरा टाइट ध्यान रखा है। और इसके अलावा क्या बताऊं, बढ़िया है, बिल्कुल मज़े वाली जगह है, मौज करो, बहुत सुंदर एरिया है। ये मेन मुख्य द्वार हो गया और ये ऊपर नाथ जी का मंदिर, इसके अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है बाहर का, सिर्फ आप जाओ कपड़े डाल के और कुछ भी नहीं। ये रूम अपने को सस्ता मिल गया, ज़्यादा महंगा नहीं मिला, पर यहाँ से व्यू एक नंबर का है। ये यहाँ से एक कुंड है बहुत बड़ा, इस कुंड में रात में लाइट चस रही थी, चस्बुज और भजन वगैरह भी चल रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये इस साइड श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है यहाँ पे। और ये वो मस्जिद है जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है काफ़ी टाइम से। बाकी यहाँ पे छुटके मुटके झगड़े से चलते रहते हैं ये, क्योंकि इधर मंदिर हो गया, इधर वो हो गया मस्जिद। वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर कि जो ये मस्जिद है ये मंदिर की ज़मीन पे बनी हुई है। जो मुग़ल आए थे, मुग़लों ने हिंदुओं के सारे मंदिरों को तुड़वा दिया था, उन्हीं में से एक मंदिर ये भी था, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाला, इसको भी उन्होंने तुड़वा दिया था। कैसा स्वाद कैसा है? एक नंबर है यार, हींग ज़्यादा डालो क्या? हींग टेस्टी है, मसाले ज़्यादा है? ये मसाले नॉर्मल है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी अच्छा है, मतलब टेस्ट आ रहा है। हाँ चलो बढ़िया, 25 रुपये में वर्थ है। हाँ 25 रुपये में, 25 ही है, बहुत अच्छा है। दो कचौरी मिलेगी 25 में और क्या मिलेगा यार, बिल्कुल जन्म स्थान के पास में। ना थैली तो रहने दे यार, थैली में सही मज़ा नहीं आऊगा, गर्मी मिल जाए तो। ये इधर मेन गेट है एंट्री का, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप आया, कल से रात को दर्शन कर लिए थे मंदिर के और अभी फिलहाल अब जलेबी कचौरी खा के आए हैं। रात को तबीयत डाउन हो गई थी, रियलिटी में मेरा गला बहुत ख़राब था, वो गर्म गर्म कचौरी खाते ही सेट आ गया गला।
जाते एक पैरासीटामोल की गोली और लेनी पड़ेगी। मन श्री वृंदावन धाम मिलेंगे राधे कृष्ण श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहार। ये मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मंदिर तो क्या है, ये जेल थी पहले जहाँ पे कृष्ण जी के माता पिता कैद थे, और वहाँ ऊपर उनका मंदिर है और इसके पीछे इधर नीचे आके जेल बना रखी है। बहुत सुंदर है देखने लायक, पर इस बात का ध्यान रखना अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, फोन पर्स चैन चून कड़ा कुछ भी। ओके, जैसे एसएससी का पेपर होता है ना वो वाला सिस्टम है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। ये मार्केट मथुरा की, वो ऊपर मंदिर है। जपोरे मन श्री वृंदा किन्ने जाओ आप, वैसे किन्ने जाओ आप, अच्छा घूम रहे हैं। दूध तो ज्यादा दिक्कत कर रहा है, जुकाम है ना, चाय पिएंगे। छुटका चाय वाला कहाँ है ब्रो, इसको ना ज्यादा भीड़ लगा ना। ब्रो एक डोसा खा लेते हैं, एक डोसा पेट फुल हो जाएगा, रोटी खाने की जरूरत कौन पड़ेगी।